बैक टू माय चैनल। मैं हूं तुलिका और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्राफ्ट नहीं लेके आई हूं, ना पेंटिंग से रिलेटेड कुछ लेके आई हूं। आज मैं कुछ और ही लेके आई हूं, कुछ मेरे और मेरी डॉटर के सीक्रेट्स है वो मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों से। तो पहले तो मैं बता दूं कि आप मेरे हेयर को देख सकते हैं, मैंने इसको ट्राई किया है इस तरीके से। और मुझे हमेशा से लॉन्ग हेयर बहुत पसंद रहा है, मैं हमेशा से लॉन्ग हेयर ही रखी हूँ और मेरी डॉटर को भी पसंद है और उसका भी लॉन्ग हेयर है। तो आज का जो मेरा वीडियो है, मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की, लॉन्ग नहीं होती इस वजह से कट कर लेते हैं। बहुत लोगों को मन भी होता है बट प्रॉब्लम की वजह से, हेयर फॉल की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से कट कर लेते हैं। तो आज कुछ मैं यही सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो प्लीज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, हेयर सीक्रेट अच्छा लगे, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए ताकि मैं और भी कुछ न्यू चीजें, कुछ न्यू सीक्रेट्स लेके आऊंगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए एक बार मैं दिखा देती हूँ मेरे लॉन्ग हेयर, कितने लॉन्ग हैं मेरे हेयर वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। दिख रहा, हाँ अभी मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, इस तरीके से है मेरा लॉन्ग हेयर। और मैं अभी जो वीडियो है, अभी मैं अपनी डॉटर के लॉन्ग हेयर दिखाऊंगी। तो हेलो, मेरा नाम अनिका है और मैं आप लोगों को छोटी सी बेबी का हेयर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, इसके भी लॉन्ग हेयर हैं और इसको भी लॉन्ग हेयर ही पसंद है और मोस्टली बच्चों को पसंद आते हैं पर मोस्टली मम्मा कट कर देती है। तो आज सबसे पहले मेरी डॉटर से सुनिए उसके लॉन्ग हेयर का क्या सीक्रेट है, वो बताएगी खुद से। हाय फ्रेंड, मेरा नाम अनिका है और मैं हेयर का सीक्रेट बताने जा रही हूँ। और मैं बहुत सारी सब्जी खाती हूँ, ब्रिंगल खाती हूँ और लेडी फिंगर खाती हूँ, इसलिए मेरा हेयर और ऑयलिंग करती हूँ, शैम्पू करती हूँ, इसलिए मेरा हेयर कितना लॉन्ग हो गया है। ओके, वेरी गुड। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो? हाँ, मैं रोज खाती हूँ, साग भी खाती हूँ। वेरी गुड। तो टर्न आप अपने लॉन्ग हेयर दिखाओ। ये देखो मेरा कितना लॉन्ग हुआ है। वेरी नाइस। तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी का ये लॉन्ग हेयर है, वो उसने अपना सीक्रेट बताया। वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाती है, फ्रूट्स खाती है, रेगुलर ऑयलिंग करती है। मैं उसके बालों में रेगुलर ऑयलिंग करती हूँ, इस वजह से उसके लॉन्ग हेयर हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं और मेरी डॉटर का कुछ ऐसे स्पेशल नहीं करती मैं हेयर के लिए, मैं बस रेगुलर ऑयलिंग जरूर करती हूँ। मैं सिर्फ मेरी डॉटर का संडे को हेयर वॉश करती हूँ, मैं खुद भी संडे या ऐसे ही करती हूँ, वीक में वन डे ही करती हूँ और रेगुलर ऑयल करती हूँ मैं अपने हेयर में। और इसी वजह से ना, ये मेरा बचपन का ही हैबिट रहा है कि मैं रेगुलर ऑयलिंग करती रही हूँ हेयर में। और जो शैम्पू का जो फ्रीक्वेंसी होता है कि आप हर दिन, किसी का हैबिट होता है कि हर दिन शैम्पू करना या अल्टरनेट डे पे शैम्पू करना, तो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मुश्किल भी होती है शैम्पू करने में, टाइम लगता है सूखने में और मैं हेयर ड्रायर का यूज नहीं करती हूँ सुखाने में। तो इस वजह से ना मेरा यही सीक्रेट है, कुछ मैं स्पेशल नहीं करती। जब मैं छोटी थी, जब मेरी मम्मी के साथ थी मैं, तो मेरी मम्मी मुझे हेयर में आंवला और सिकाकाई
लगाती थी बहुत पहले, पर अब नहीं हो पाता मेरे से, अब मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं हर्बल शैम्पू, श्री श्री का जो शैम्पू आता है या फिर पतंजलि शैम्पू ही यूज करती हूँ मोस्टली, और ऑयलिंग मैं हमेशा करती हूँ कोकोनट ऑयल। और आप देख सकते हैं मेरी डॉटर को भी लॉन्ग हेयर पसंद है, और इससे ना आपके हेयर में थिकनेस भी आएगी। और मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है कि हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर फॉल होते ही हैं, बट उसी रेशियो में हेयर निकलना भी चाहिए, तभी आपका हेयर फॉल तो नॉर्मल है वो होगा ही, लेकिन अगर आपके हेयर रेगुलर निकलते जाएंगे तो आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी थिकनेस की। तो और एक और सीक्रेट है जो कि मैंने अपनी नानी से सीखा है, कि मेरी नानी 75 प्लस है, उनके हेयर आज भी पूरे ब्लैक है, वो कोई कलर यूज नहीं करती हैं, कुछ भी हेयर डाई नहीं करती है। तो उनके जो सीक्रेट है कि वो कर्पूर जो कोकोनट ऑयल है उसमें कर्पूर जो आती है जिससे करते वो मिक्स करके लगाती थी। तो अभी मैं और मेरी डॉटर भी समटाइम वो करते हैं, उससे डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम दूर होती है और उससे हेयर भी आपके ब्लैक रहते ही हैं। तो अभी तक टच वुड मेरे हेयर व्हाइट नहीं हुए हैं, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी हेयर व्हाइट होते जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स खाने पीने की और ये इशू की वजह से। इसलिए यही हमारा सीक्रेट है, कुछ स्पेशल नहीं करते हम। और मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे हेयर के लिए बोला था कि आप कुछ क्या करते हो, तो आज मैं वीडियो बना ही ली लास्टली, और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और जरूर से शेयर कीजिए, और कुछ और भी सीक्रेट जो स्पेशल सीक्रेट है वो मैं जरूर से और कुछ लेके आऊंगी। और मिलते हैं हम परसों जन्माष्टमी है, तो कुछ कृष्णा का बर्थडे आ रहा है। हाँ, कृष्णा का बर्थडे 2 डेज के बाद कृष्णा का बर्थडे आ रहा है, तो मैं मेरी बेटी मम्मा बेटी दोनों राधा बनेंगे और मेकअप करेंगे, और मेरी बेटी कुछ डांस भी करेगी, तो उसका वीडियो मैं जरूर से शेयर करूंगी। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। बाय, थैंक यू सो मच, बाय।